ओके, सबसे पहले आप लोगों ने प्रीमियर प्रो ओपन करना है, सही है ना? ये हमारा प्रीमियर प्रो ओपन हो गया। अच्छा, न्यू प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने जाना है। यहाँ पे आप लोगों ने प्रोजेक्ट नेम लिखना है। ऑलराइट, सो ये प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है। सो थोड़ा सा वो लेट जा रहा है फेसबुक पे। और राइट, ये प्रीमियर प्रो का इंटरफेस है। अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका टूर करवाता हूँ इंटरफेस का, ताकि आप लोगों को पता चले। स्टार्ट वैसे भी हमने बेसिक से करनी है, आज जो है ना इंट्रोडक्शन क्लास है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद हम एडवांस करने जाएंगे। अच्छा जी, ये हमारे पास कंट्रोल पैनल है, और ये हमारे पास जो है ना, इस पे हम जो वीडियो एडिट करते हैं वो हम यहाँ पे वो शो होती है। और ये हमारे पास इफेक्ट्स है, जो हम इफेक्ट्स डिनॉइज वगैरह वो लगाते हैं, वो हम यहाँ से उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये प्रोजेक्ट पैनल है, हम अपनी वीडियोस को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। और ये हमारे पास टाइमलाइन है, जहाँ पे हम अपनी वीडियो को एडिट करते हैं। अच्छा जी, अब इसके बाद ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं सीक्वेंस को। अच्छा, सीक्वेंस अब क्या होता है? सीक्वेंस इस तरह होता है कि जिस तरह हम टिकटॉक के लिए अलग सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, फॉर के वीडियो के लिए अलग सीक्वेंस क्रिएट करते हैं, और यूट्यूब वीडियो के लिए अलग क्रिएट करते हैं सीक्वेंस हम। तो सबसे पहले हमने सीक्वेंस क्रिएट करना है, वो हम दो तीन तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने प्रोजेक्ट पैनल पे, यहाँ पे आप लोगों ने राइट क्लिक करना है और न्यू आइटम पे जाना है। यहाँ पे सीक्वेंस लिखा है, आप लोगों ने सीक्वेंस पे क्लिक करके आप लोगों ने APRI और 1020 पिक्सल जो है ना, वो आप लोगों ने 25 पे रखना है। अच्छा, यहाँ पे 25, 29.9713, ये आपकी जो वीडियो है उसके मुताबिक आप लोगों ने करनी है, सही है ना? अब यहाँ पे ये सारा सब कुछ अगर मैं डिस्कस करूँगा तो वो वही बात है ना कि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोगों ने 25 पे उसको क्लिक करके और फिर आप लोगों ने सेटिंग पे जाना है। अच्छा, यहाँ पे फ्रेम साइज़ जो है ना, बाकी किसी चीज़ को भी आप लोगों ने टच नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट फ्रेम साइज़ उसको आप लोगों ने ठीक करना है। यहाँ पे 1920 और 1018, ये हमारे पास यूट्यूब का और फेसबुक इस तरह का वो है, सीक्वेंस है, हमने ओके पे करना है। तो हमारे पास ये सीक्वेंस क्रिएट हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने करना ये है कि फोल्डर्स को अरेंजमेंट करना है। अच्छा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है कि आप लोगों ने फोल्डर को लाजमी अरेंजमेंट करना है। आप लोगों ने राइट क्लिक करके न्यू बिन, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ कि प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट में मेरे पास सीक्वेंस आ गया, सही है। अब हमारे पास दूसरा फोल्डर है, वो वीडियो का है, वो वीडियो का क्रिएट हो गया। अब हमारे पास तीसरा फोल्डर है, वो म्यूजिक का है, तो म्यूजिक का हो गया। और राइट, सो अब हम वीडियो के फोल्डर को ओपन करते हैं। अच्छा जी, अब डबल क्लिक करके हमने अपने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अच्छा, आप अपने वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दे जहाँ पे आप लोगों की वीडियो पड़ी हुई हो। तो मैं यहाँ पे करता हूँ वीडियो को देख के, गई वीडियो, ऑलराइट, ये मैंने अपनी वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी है, सही है ना? अब हमने वीडियो में कट लगाना है। सो आप लोगों ने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है वीडियो को टाइमलाइन पे। अच्छा, यहाँ पे मिस मैचिंग वार्निंग फिर आ जाएगा, लेकिन आप लोगों ने चेंज को सीक्वेंस को चेंज नहीं करना, क्योंकि जो वीडियो मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दी, ये 4K वीडियो है, तो इसलिए ये वार्निंग दे रहा है। आप लोगों ने कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग पे क्लिक करना है। और राइट, ये वीडियो हमारे पास आ गई, सही है ना? अच्छा, अब इसको जो है ना, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसके ये 4K वीडियो है, ये थोड़ा सा जूम हुआ है, तो इसको आप लोगों ने थोड़ा सा वो पीछे करना है, जूम आउट करना है। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने जाना है कंट्रोल पैनल पे। अब कंट्रोल पैनल
ये सॉरी इफेक्ट कंट्रोल पे जाना है। ये हमारे पास इफेक्ट्स कंट्रोल है, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे हम पोजीशन देते, सबसे पहले पोजीशन क्या है, पोजीशन से हम स्केल को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, सही है ना। और हमारे पास जो पोजीशन है इसको हम बॉटम और इस तरह फिर हम लेफ्ट राइट पे कर सकते हैं। और राइट ये तो ये हो गया। अच्छा थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे हमारे पास रोटेशन है, वीडियो को हम रोटेट कर सकते हैं इस तरह। अच्छा जी यहाँ पे फिर नीचे आके ओपेसिटी है। अच्छा ओपेसिटी में इसका जो ओपेसिटी तो आप वैसे भी आप लोग जानते होंगे, जो वीडियो की ओपेसिटी है वैसे कम और ज़्यादा होती है, सही है ना। और ओपेसिटी के ऊपर आप लोग ये तीन शेप देख सकते हैं, इससे हम मास्किंग करेंगे, सही है ना। लेकिन यह फिर एडवांस लेवल पे हम जाके इसकी मास्किंग करेंगे। अच्छा फिर उसके बाद ब्लेंड मोड है, ब्लेंड मोड से आप अपने वीडियो को इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ब्लेंड मोड जब आपकी वीडियो एक वीडियो के ऊपर दूसरी वीडियो जब हम लगाते हैं तो फिर हम ब्लेंड मोड को यूज़ करते हैं। अभी जो है ना वो बाद में इस तरह सब कुछ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा उसके बाद टाइम रैंपिंग है, टाइम रैंपिंग भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। टाइम रैंपिंग से जो है ना हम वीडियो को स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। स्क्रीन फुल कर दे, तो स्क्रीन फुल है यार, स्क्रीन तो फुल है। अच्छा यहां से मैं ऑलराइट आई थिंक अभी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि नज़र नहीं आ रहे, ऑप्शन क्लियर सर अगेन स्टार्ट करवा दे, अब ऑप्शन क्लियर है नहीं है सर। यार आप लोग सही बता दे, कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि स्क्रीन सही नहीं आ रहा। यार स्क्रीन तो सही आ रहा, मैं भी लाइव देख रहा हूँ। अच्छा ऑलराइट बहरहाल आप लोगों ने फिर अपने वीडियो में कट लगाना है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट प्रीमियर प्रो में कंट्रोल कैसे हम कट लगाते हैं, सही है ना। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपने मुताबिक इसको आप वो भी लगा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे जाके अपने कीबोर्ड शॉर्टकट से आप अपने मुताबिक कीबोर्ड को शॉर्टकट लगा सकते हैं। और फिर इंशाल्लाह मैंने कहा ना कि हम बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में यह सारा डिस्कस करते हैं। और राइट मैंने यहाँ पे जो है ना क्यू से मैंने वो लगाया हुआ है, कट लगाया हुआ है, तो यहाँ से आप लोग कट कर सकते हैं इस तरह। अच्छा इसके अलावा कंट्रोल जेड से आप अंडू कर सकते हैं। और राइट यहाँ पे आप लोग आके हमारे पास कुछ टूल है उसको मैं डिस्कस करता हूँ। अच्छा कट के लिए हमारे पास यहाँ पे लेज़र भी मौजूद है, लेज़र आप लोगों ने उस पर सेलेक्ट करके यहाँ पे आप लोगों ने वो कट लगाना है। फिर यहाँ पे आप तुम लोगों की मर्ज़ी है, जहाँ पे भी आप लोगों ने कट लगाना है वो आप लगा दें, सही है ना। तो इस फिर उसी तरह कंट्रोल जेड अंडू करना है, सही है ना। और फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ये ऑप्शन है, बाकी ऑप्शन को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि ये फ्यूचर के लिए मैं फिर डिस्कस करूँगा अगले क्लासेस के लिए, क्योंकि यहाँ पे इसका कुछ काम कोई काम ही नहीं है। और राइट पर यहाँ पे हमारे पास पेंसिल है, पेन टूल है, पेन टूल से आप लोगों को पता है कि हम अपने उसमें ये इस तरह होता है ना कि मतलब ग्राफिक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, सही है ना। इसके अलावा हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को हम इस तरह यूज़ करते हैं। लेप्स टूल भी है, लेप्स टूल को हम फिर यहाँ पे यूज़ करते हैं। और राइट अब इसको मैंने तो वो कर दिया, अब इसको कलर जो है ना वो मैं कलर चेंज करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने जाना है कंट्रोल इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स से हमने एसेंशियल ग्राफिक पे जाना है। एसेंशियल ग्राफिक पे यहाँ पे हमारे पास शेप आ गया, तो नीचे आके
यहाँ से आप लोग इसको कलर आपकी मर्जी है, जो कलर आप देना चाहे वो दे सकते हैं। और राइट, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमने वो इसके ऊपर कुछ अगर लिखना है टेक्स्ट, तो वो हम नीचे आके यहाँ पे टाइप टूल को सेलेक्ट करना है और स्क्रीन पे जो है ना वो हमने टेक्स्ट लिखना है। फॉर एग्जांपल वीडियो वीडियो एडिटिंग क्लास। अच्छा, फिर उसी तरह आप लोगों ने आना है एसेंशियल ग्राफिक पे। अच्छा, यहाँ पे आप लोग को डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन वो टाइम टू टाइम इसको एक्सप्लेन करेंगे। बेसिक हमारा यही कि स्टाइल पे आना है, सॉरी टेक्स्ट पे आना है, यहाँ से हम फॉन्ट्स जो है ना वो चेंज करेंगे। अब वो मतलब मुझे ये फॉन्ट चाहिए तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिर्फ आप लोगों ने ऑप्शन को डिस्कस करना। अच्छा भाई जान, ये है ना कि अगर आप लोगों को शायद ये आता होगा, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिनको नहीं पता, वो स्टार्ट से मतलब अभी स्टार्ट ले रहे हैं, तो उन लोगों के लिए जो है ना ये मैं कर रहा हूँ। बाकी ऐसा है ना कि मैं अभी वो एडवांस कर शुरू कर दूँगा तो फिर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन बाकी लोगों को समझ नहीं आएगी तो फिर वो भी मसला हो जाएगा ना। अच्छा जी, फिर नीचे आके यहाँ पे आप लोगों का जो है ना, हमारे पास इसको हम बोल्ड कर सकते हैं, सही है, और इटालिक कर सकते हैं, इसकी जो है ना हम वो सारा सब कुछ डिज़ाइन कर यहाँ से हम कर सकते हैं, इसका बॉर्डर हम दे सकते हैं। अच्छा, फिर अपीयरेंस में हम इसका कलर चेंज करेंगे, जो भी आपको पसंद हो वो कलर पर आप लोग लगा लें। ओके, कलर भी चेंज होगा इसका। अच्छा, अब इसका हमने स्ट्रोक वो क्रिएट करना है। अच्छा, स्ट्रोक इस तरह होता है ना कि जो वीडियो टेक्स्ट का जो बॉर्डर होते हैं ना, एक्सटर्नल बॉर्डर, वो इसलिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ, आप लोग देख सकते हैं इसका एक्सटर्नल बॉर्डर जो है ना वो इस तरह हो गया, क्योंकि फिर मतलब आप लोग देख सकते हैं कि जो जिस वीडियो पे मैं लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ वीडियो एडिटिंग क्लास हो, तो वो ऑलरेडी उसका कलर और इसका कलर सेम है, तो इसलिए फिर हम स्ट्रोक को यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास बैकग्राउंड आ जाता है। अच्छा, बैकग्राउंड भी फिर उसी तरह हम बैकग्राउंड में एनिमेशन करेंगे इस तरह। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास शेडो है, तो शेडो भी हम यूज़ कर सकते इस तरह, उसको टैप ऑन करके अपनी मर्जी से फिर आप लोगों ने शेडो देना है। तो मैं इसको ऑफ करता हूँ तो भी आप लोगों को समझ आ जाएगी थोड़ी सी, तो आप लोग देखें इसका शेडो जो है ना वो क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पहली बार फीमर प्रो का इंटरफेस देख रहे हैं ना, तो यही बात है ना कि जो लोग मतलब अब फर्स्ट टाइम उनका है और मतलब मैं बेसिक डायरेक्ट बेसिक से एडवांस पे जाऊँ तो फिर बहुत इशू हो जाएगा। हमारा मेन मकसद ये नहीं है कि मतलब हम फीमर प्रो कोर्स ख़त्म करें, हमारा मेन मकसद यही होगा कि लोग जो है ना इसे कुछ सीखे, लोगों को जो है ना कुछ फ़ायदा मिले इससे। अच्छा, ये भी हो गया। अब हमने जो है ना एक सबसे पहले हमने उसको वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, फिर इसके ऊपर हमने टेक्स्ट वो क्रिएट कर दिया। अब हमने जो है ना टेक्स्ट को वो एनिमेशन करना है। अच्छा, उसी तरह फिर आप लोगों ने इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाना है, और जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि ग्राफिक्स में हम पोजीशन और स्केल को उसी हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। अच्छा, स्केल जो है ना वो स्केल हिसाब से फिर हम इस तरह करते हैं कि इसको जूम इन और जूम आउट देते हैं। अच्छा, स्केल हमारे पास इसको हम ज़ीरो करेंगे, स्केल ज़ीरो हो गई। अब इसके बाद हम सॉरी हमारे पास ये स्केल ज़ीरो है। अच्छा, अब हमने टॉगल एनिमेशन ऑन करना है। टॉगल एनिमेशन, इससे हम की फ्रेमिंग करेंगे
जो हमारा टाइटल है वीडियो एडिटिंग क्लास का, इसका हम जूम आउट जूम इन करेंगे। तो टॉगल एनिमेशन हमारे पास ओपन हो गई। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये देखिए ये हमारे पास की फ्रेमिंग जो है ना वो एक्टिवेट हो गया है। अच्छा, इसको आप लोगों ने स्टार्ट पे रखना है, सही है ना। अब हम जितना हम अब जूम आउट देंगे तो उस हिसाब से हम अब दूसरा जो है ना वो की फ्रेमिंग लगाएंगे। अच्छा, हम यहाँ से हमारा सेकेंड की फ्रेम एक्टिवेट हो गया, और यहाँ पे हम मैं चाह रहा हूँ कि हमें 50% चाहिए, सॉरी हम मैं सर के 80% देता हूँ ताकि ज़्यादा हो जाए बड़ा। और राइट, मैं चेक करता हूँ कि क्या उसका हो गया। अच्छा सही सही है ना। अच्छा, अब इसको हमने स्मूथ बनाना है, ये जूम आउट जो है ना थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि ये स्मूथ हो जाए। तो हमारा जो फर्स्ट की फ्रेम है इस पर राइट क्लिक करना है और नीचे आके ईज इन करना है, और इसी तरह हमारा सेकेंड की फ्रेम उस पर हमने ईज आउट करना है। फिर आप लोग अपने हिसाब से इसको फास्ट एंड स्लो कर सकते हैं। अभी मैंने इसको और भी फास्ट कर दिया। अच्छा, इसी तरह फिर मैं इसको स्लो करता हूँ, सही है ना। ये तो इसका जूम इन और जूम आउट एनिमेशन हो गया। और राइट, मैं इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से। अच्छा, अब मैंने इसको फेड इन और फेड आउट देना है। अच्छा, फेड इन फेड आउट वो अब क्या होता है। फेड इन फेड आउट हम दो तरीक़ों से दे सकते हैं। यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाके प्रीसेट पे क्लिक करके हमारे पास नीचे आके ट्रांजिशन पे आके वीडियो ट्रांजिशन पे आके डिजोल्व पे क्लिक करके यहाँ पे हमारे पास क्रॉस डिजोल्व वो आप लोगों ने स्टार्ट पे लगाना है और एंड पे लगाना है। तो ये आप लोग देख सकते हैं वो हमारा टाइटल जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली वो ओपन हो रहा है। और राइट, फिर आप लोग यहाँ से वो आप लोग टाइम दे सकते हैं कि आप लोग अगर ज़्यादा चाहिए तो आप लोग इसका वो टाइम बढ़ा दें, सही है ना। अच्छा, अब हमारे पास सेकंड तरीका यह है कि हम अपने फ़ोन पे क्लिक करके टेक्स्ट पे क्लिक है ना, तो इस तरह करते हैं कि इसका इसको हम मैं 0 करता हूँ, सही है। और हम अपना ऑप्शन वो ऑन करके फिर दो तीन फ्रेम आगे जाके दोबारा फ्रेम ऑन करके मैं इसको 100% देता हूँ। अच्छा, इससे ये होता है ना कि आपकी वो जो फेड इन फेड आउट है ना वो बहुत स्मूथली हो जाती है। फिर उसी तरह आप लोगों ने इज इन और इज आउट करना है दोनों को। वो सीक्वेंस से आता रहता है वहां पर जो ना, थोड़ा सा लेट आता है, कमेंट्स भी लेट शो होते हैं। चले सही है, ठीक है। ओके गाइस, नेट का थोड़ा सा इशू आया था इस वजह से हम डिसकनेक्ट हो गया। अच्छा, मैंने यहाँ तक क्लास लिया कि किस तरह हम वीडियो को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन को जो है ना वो लगाया अपनी वीडियो पे, सही है ना। फिर उसके लिए हम मैंने थोड़ा सा एनिमेशन किया जूम इन जूम आउट का और फेड इन फेड आउट का। अच्छा, इसके बाद अब मैंने उस पर कलर ग्रेडिंग करना है, सही है ना। अच्छा, हमारे पास ये वीडियो है जिसपे मैं अब कलर ग्रेडिंग करूंगा। तब अच्छा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि लोगों को सही तरह नजर आए। और राइट, हमारे पास ये वीडियो है, इस पे मैंने कलर ग्रेडिंग करना है। और कलर ग्रेडिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो एडिटिंग। अगर आपकी अच्छी खासी वीडियोग्राफी होगी तो बेकार हो जाएगी अगर आप लोगों ने सही कलर ग्रेडिंग नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बेसिक टच दूंगा। फिर उसके लिए हमारे पास मुख्तलिफ लट्स है, और लट्स इंशाल्लाह फिर हम जो है ना वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा अगले क्लासेस में। अच्छा, हमने इफेक्ट्स कंट्रोल पे जाना है, और यहाँ पे नीचे आके हमारे पास क्यूमिटी कलर है, उसको हमने क्लिक करना है। अच्छा, बहुत से दोस्तों के पास ये ऑप्शन नहीं आएगा। अगर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप लोगों ने विंडो पे जाना है। अच्छा, विंडो पे जाके नीचे आके यहाँ पे आप लोग एसेंशियल ग्राफिक्स, एसेंशियल साउंड्स, कंट्रोल इफेक्ट्स, जो भी ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आता तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास जो है ल्यूमिट्री कलर वो सेलेक्ट हो गया है, तो वो ऑलरेडी मेरे पास आया हुआ है। तो यहाँ से आप लोग को सेलेक्ट करके आप लोगों का ल्यूमिट्री कलर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे पास कलर ग्रेड जो है ना वो आ गया। मैं स्क्रीन को थोड़ा सा वाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को सही तरह से समझ आ जाए। और राइट, सबसे पहले आप लोगों ने बेसिक करेक्शन पे जाना है, सही है ना। बेसिक करेक्शन पे हमारे पास टेम्परेचर है और टेंट है।
अच्छा टेम्परेचर को ये अब आप लोग अपनी वीडियो के मुताबिक वो आप लोगों ने कलर करना है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि जो जो पानी है इसका जो ये ग्रीन ब्लू सा कलर आ रहा है, तो ये इस पे मैं ज़्यादा फोकस दूंगा, सही है ना? तो सबसे पहले टेम्परेचर को मैंने डिक्रीज कर दिया थोड़ा सा, सही है, और टेंट को मैं थोड़ा सा वो उसको भी डिक्रीज करता हूँ ताकि शाइनेस थोड़ा सा ग्रीन की तरफ चला जाए। अच्छा उसके बाद हमारे पास टून है, टून में हमारे पास एक्सपोजर है जिससे वीडियो वो वाइट हो जाती है, लेकिन वो मैं सिर्फ 2.2% उसको मैंने दे दिया। अच्छा उसके बाद हमारे पास कॉन्ट्रास्ट है जो उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है। कॉन्ट्रास्ट आप कह सकते टूल कह सकते हैं इसको, इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह करना है। अच्छा इसके बाद हमारे पास हाइलाइट्स है, वो भी आप लोग मैं इसको इंक्रीज कर दूँ ताकि इसका जो शेडो है वो ज़्यादा हो जाए। अच्छा शेडो में हम इसको वो भी हम इंक्रीज करते हैं। अब हमारे पास वाइट है, वाइट में इसको जो है ना वो मैं ऐसे करता हूँ कि वीडियो ठीक है, इसको मैं 0 पे रखता हूँ वाइट को, और ब्लैक जो है ना वो मैं उसको भी मैं डिक्रीज करता हूँ। अच्छा अब इसके बाद हमारे पास सेचुरेशन है। अच्छा सेचुरेशन जो है ना, अब इसका कमाल आप देखें कैसे वीडियो जो है ना वो कितनी जो है ना वो प्रोफेशनल हो जाएगी। और राइट अब आप लोग अपने मुताबिक अपने हिसाब से इसका सेचुरेशन कर सकते हैं। ये आप इस तरह देखें फिर आप लोग वो डिक्रीज की तरफ आ जाए तो ये फुल जो है ना वो सिंपल हो जाएगी। अच्छा तो मैं इतना कलर दूंगा इसको। और राइट फिर उसके बाद हमारे पास क्रिएटिव है। अच्छा क्रिएटिव ये लट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट लट्स मौजूद है, बाय डिफॉल्ट प्रीमियर प्रो का अपना लट्स जो है ना वो यहाँ पे है। यहाँ से आप लोग चेक करें स्क्रीन में कि ये जो है ना ये चेंज हो रहा है, लोग देखें ये चेंज हो रहा है। सही है ना? फिर वो जब मैं आप लोगों को वो लट्स दे दूंगा प्रोफेशनल लट्स, हर इंडोर आउटडोर दोनों का लट्स मेरे पास अवेलेबल है, फिर उसे आप लोग और भी बेहतरीन मजीद कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग खुद ही कलर ग्रेडिंग खुद ही कलर ग्रेडिंग करें। इससे यह होता है कि आप लोग अपनी मर्जी से दे सकते हैं। अब लट्स में यह होता है ना कि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों ने लट्स अप्लाई कर दिया तो वो अगर किसी चीज़ को ब्राइट करने के लिए होता है ना, तो फिर बंदे का जो फेस होता है वो बहुत ज़्यादा सेचुरेटेड होता है। और राइट तो क्रिएटिव जो है ना वो हम लट्स के यूज़ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ ऑप्शन है जैसे कि हमारे पास शार्पन है। शार्पन से आपकी वीडियो जो है ना वो शार्प हो जाएगी, मतलब आपकी वीडियो जो है ना वो सही तरह वो हर जगह को सही तरह पर दिखेगी आपकी वीडियो। और फिर उसके बाद वाइब्रेंस और सिचुएशन इसको हम नहीं चढ़ेंगे, फिर वो लट्स में हम इसको वो करेंगे डिस्कस। अच्छा इसके बाद हमारे पास कर्व है। अच्छा कर्व पे आके हमारे पास आरजीबी कर्व है। आरजीबी कर्व पे हमने यहाँ पे एक क्लिक करना है और दूसरा क्लिक हमने बॉटम पे करना है। अच्छा टॉप से हमने थोड़ा सा इसको ब्राइटनेस की तरफ लेके जाना है और इसको जो है ना हमने शेडो की तरफ लेके आना है। अच्छा अब हमारे पास ह्यू वर्सेस सेचुरेशन है, ह्यू वर्सेस ह्यू है, ये भी आप लोग फिर अपने वीडियो के मुताबिक यूज़ करेंगे, सही है ना? ये भी जो है ना वो फिर हम हाई लेवल पे जाके इसको हम डिस्कस करेंगे। ये मैं थोड़ा सा आप लोगों को वो थोड़ा सा टच तरफ दे रहा हूँ। अच्छा उसके बाद हमने नीचे आना है, नीचे आके हमारे पास यहाँ पे कलर व्हील एंड मैचिंग है। अच्छा कलर व्हील जो है ना इसे हम और भी मज़ीद अपने वीडियो में कलर इंक्लूड कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहले मिड टून को आपने लेना है, मिड टून अब आप लोगों की मर्जी है कि किस तरफ आप लोगों ने लेके जाना है वीडियो के मुताबिक। अब मैंने ब्लूविश की तरफ लेके जाना है तो मैंने इसको नीचे वो ड्रॉप कर दिया। अब शेडो है, शेडो भी हमने ब्लू की तरफ लेके जाना है, और हाइलाइट्स को मैं ग्रीन की तरफ लेके वो भी मैं इस करता हूँ कि इसको लेके जाता थोड़ा सा इसको मैं वो करता हूँ। और राइट फिर हमारे पास एच सी एल है। एच सी एल में आप लोग अपनी मर्जी से इसको मैं कहता हूँ कि ये जगह जो है ना ये जगह सिर्फ ये जगह कलर ग्रेड हो जाए, इसकी जगह की जो कलर ग्रेडिंग है ना वो मज़ीद अच्छी हो जाए, तो इसे मैंने क्लिक करना है। अच्छा आप लोगों ने बार बार इस पर क्लिक करना है, बार बार इस पर क्लिक करना है ताकि ये सही तरह डिटेक्ट करे। और राइट सो जितना आप लोग क्लिक करोगे तो आपका ये एरिया जो है ना वो डिटेक्ट करेगा।
अब आप लोग इस तरह करें कि इसको आप ब्लूविश की तरफ लेके जाए। ओके सो अब इसके बाद हमारे पास डिनॉइस है। अच्छा डिनॉइस जो है ना ये फेस के लिए यूज होता है, जो फेस में हमारे पास फेस कभी कभार हमारे पास वीडियो में सही तरह नहीं आता, तो इससे हम जो है ना वो करते हैं। और ब्लर को तो आप लोग जानते हैं, इससे जो है ना ये ब्लर हो जाएगा। अच्छा फिर इसके बाद करेक्शन है। करेक्शन में भी उसी तरह हमारे पास वो टेम्परेचर था, वो मैंने बेसिक में आप लोगों को डिस्कस कर दिया बेसिक करेक्शन में। और टेंट कॉन्ट्रास्ट शार्पिन इस सारे सब कुछ को मैंने डिस्कस कर दिया ऊपर। अच्छा हमारे पास विग्नेटी है। अच्छा विग्नेटी हम हर वीडियो में इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। इसकी ये वजह है कि ये ज़्यादातर सिनेमेटिक्स व्लॉग्स वेडिंग शूट्स इसमें जो है ना हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। अच्छा आप लोगों की वीडियो की जो बॉर्डर है ना ये अब थोड़ी सी जो है ना वो शड़ो शड़ो जो है ना वो हो जाएगी। मैं आप लोग प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। अच्छा विग्नेटी पे क्लिक करना है हमने और अमाउंट जो है ना उसको हमने बढ़ाना है। इस तरह मिड पॉइंट जो है ना वो मिड पॉइंट बढ़ाना है और फिर इसका राउंडनेस। अच्छा आई थिंक आप लोगों को पता नहीं वो नज़र आ रही है नहीं, लेकिन जब आप लोग इसको प्रैक्टिस खुद करेंगे ना तो फिर मज़ीद आप लोगों को उसकी सही तरह समझ आ जाएगी। मतलब ये इस तरह होता है, इसी है ना राउंडनेस के रस को हमने करना है। और राइट तो हमारे पास ये बेसिक कलर ग्रेडिंग था। अब ओरिजिनल फुटेज वो चेक करते हैं, फिर उसके बाद जो मैंने कलर ग्रेड किया है वो चेक करते हैं, सही है ना। अच्छा यहाँ पे मैं कलर ग्रेड पे आके इसको मैं ऑफ करता हूँ। ओके यहाँ पे हम ओके हमारे पास ये ओरिजिनल था, रहा फुटेज था रहा। अब अच्छा आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन सही तरह चल रहा है, आप लोग मुझे कमेंट में बता दें, कमेंट करें प्लीज़। ओके सही है ठीक। ओके ये हमारे पास जो है ना ड्रॉप फुटेज है, सही है। अब इसको मैंने कलर ग्रेड कर दिया तो ये इस तरह हो गया। ये पहले इस तरह था, ये इस तरह हो गया। फिर आप लोग अपनी मर्जी से वो ये इस तरह है ना, जितना आप टाइम दोगे तो आपका वीडियो एडिटिंग वो प्रोफेशनल होगा। अभी तो मैं जस्ट आप लोगों को सिखाने के लिए ये सारा सब कुछ कर रहा हूँ। और बाकी आप लोगों को मैं एक मशवरा दूंगा, अगर आप लोग बिगिनर हैं, फुल बिगिनर हैं, और आप लोगों के पास मतलब ना ही कोई प्रोजेक्ट्स है, ना आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल है जिसको आप उस पर प्रैक्टिस करें, तो आप लोगों ने फ्री वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से वीडियो डाउनलोड करने हैं। फ्री वेबसाइट कहाँ पे आप लोगों को मिलेंगे? अच्छा मेरे चैनल पे आप लोगों ने जाना है, राज गाइड हो, यूट्यूब पे सर्च करें राज गाइड्स, तो राज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वहाँ पे मैंने A to Z वहाँ पे डिस्कस किया हुआ है कि आप लोगों ने कहाँ से फ्री फुटेज उठाने हैं और आप लोगों ने कौन से सॉफ्टवेयर पे एडिटिंग करनी है, सारा सब कुछ मैंने अपने चैनल पे डिस्कस किया हुआ है। वहाँ से आप लोगों यहाँ पे आप लोगों को पता है कि सारा सब कुछ डिस्कस मैं नहीं कर सकता, क्लास लंबी हो जाएगी। और राइट सो ये कलर ग्रेड भी हमारे पास हो गया। अच्छा हमने अब ये हमारे पास फर्स्ट फुटेज था, फिर इस पर हमने वो इफेक्ट्स लगाया, सही है ना। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड था उस पर मैंने कलर ग्रेडिंग जो है ना वो अप्लाई कर दिया हूँ। अच्छा आप लोग कमेंट करें मैं आगे पढ़ाऊँ आगे जाऊँ या ये काफ़ी था, क्योंकि जो बिगिनर्स है फिर उन लोगों को मसला होगा आगे, इतना मैं पढ़ाऊँगा तो मतलब मसला होगा। कमेंट करें मैं आगे जाऊँ या यहाँ पे जो है ना क्लास ख़त्म करूँ। उन्हें ये जहन में रखना है कि प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, अगर प्रैक्टिस नहीं करनी तो यकीन करें कोई फ़ायदा नहीं है फिर इस क्लास का। और दूसरी बात यह है ना कि अगर आप लोगों ने सही तरह वीडियो एडिटिंग सीखा ना तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ और कि आप लोग को अच्छी तरह जॉब मिलेगी। राइट नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है ना वो फुल टाइम जॉब भी कर रहा हूँ वीडियो एडिटिंग, और इसके साथ मेरे पास जो है ना
वो दुबई का रेस्टोरेंट्स के मेरे पास प्रोजेक्ट्स पड़े हुए हैं, इसके अलावा मेरे पास यूके के क्लाइंट्स हैं, इसके अलावा मेरे पास पाकिस्तानी क्लाइंट्स मौजूद हैं। एक साल पहले मैं 20,000 पे काम करता था, 20,000 पे। एक साल बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं 80,000 जो है ना, वो 80,000 से लेकर 1 लाख तक मैं भी कमा रहा हूँ, वो वीडियो एडिटिंग से है। स्टिल मेरे पास प्रोजेक्ट आ रहे हैं लेकिन टाइम का मसला है, और मेरा अपना यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी मैंने वीडियो बनानी होती है ना, तो फिर काम जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से फिर मैं ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं लेता। लेकिन आप लोगों ने प्लीज़ इस पर प्रैक्टिस करना है, सही है।